आज के चमत्कार सुनने से पहले आइए जानें क्या है आज का भगवान का सूत्र। शिक्षा बालक को कैसे सोचें ये सिखाती है, न कि क्या सोचना चाहिए। जहीराबाद मेदक भारत से मैं आर वैष्णवी हूं। यूं तो मैं अच्छा पढ़ती थी और अच्छे नंबर भी लाती थी, पर आंतरिक रूप से सब गड़बड़ था। मुझ में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की बहुत कमी थी। मैं हर समय नकारात्मक विचारों से घिरी रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरा परिचय श्री अम्मा भगवान से हुआ। मैंने सभी कोर्सेज और अनुष्ठानों में नियमित रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। मैंने श्री भगवान से मेरे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि करने के लिए प्रार्थना की, साथ ही नकारात्मक विचारों से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की। श्री भगवान के अनुग्रह से मैं अपना आंतरिक परिवर्तन देख पाई, क्योंकि मेरी चेतना का स्तर उन्नत हो रहा था। क्लास में मैं चुनौतियों का सामना एक नए आत्मविश्वास के साथ कर रही थी। 10वीं के बोर्ड इम्तिहान में मैंने 9.7 पॉइंट प्राप्त किए। प्यारे विजय प्रदाता श्री अम्मा भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब दूसरा चमत्कार। हन्नम कोंडा वारंगल भारत से मैं वी विद्या हूं। मैं अपनी पढ़ाई और जीवन के कई अन्य पहलुओं से जूझ रही थी। इम्तिहान में कम नंबर आने का भयंकर डर मुझे सताता था। मेरी माताजी की बड़ी बहन हमें हमेशा श्री अम्मा भगवान के बारे में बताती रहती थी, पर मुझे कोई विश्वास नहीं था। मेरे इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के बोर्ड इम्तिहान के समय जैसे ही मैंने प्रश्न पत्र पढ़ा, जो कुछ भी मैंने याद किया था वो सब मैं भूल गई। पर चमत्कारिक रूप से तभी मेरी मौसी ने, जो इम्तिहान में सहायता के लिए श्री अम्मा भगवान की प्रार्थना पद्धति सिखाई थी, याद आई। सर्वव्यापी भगवान से प्रार्थना करने के बाद मैं अपना इम्तिहान शांतिपूर्वक एवं सफलतापूर्वक लिख पाई। मेरी प्रार्थनाओं को तुरंत पूरा करने और मेरी रुकावटें दूर करने के लिए अनंत आभार श्री अम्मा भगवान।